नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जाट महासभा चंदौसी ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। खबर जनपद सांभल के थाना क्षेत्र की है, जहां आज आशीष गार्डन में जाट महासभा चंदौसी की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में होली की शुभकामनाएं आपस में दी गई। समारोह में जाट समाज के विभिन्न वक्ताओं ने समाज में फैली हुई विभिन्न कुरीतियों को दूर करने का सुझाव भी दिया। इसी के साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए चर्चा भी की गई। बता दें कि समारोह की अध्यक्षता रणवीर सिंह और संचालक पुष्पेंद्र सिंह ने किया। देखें चंदौसी से हमारे संवाददाता हेमंत चौधरी की यह रिपोर्ट। बहुत समझदारी का निर्णय ये होता है कि हम अपने काम के घंटे तय करने होंगे, चाहे घर की महिला हो चाहे पुरुष हो। सामाजिक रूप से देखोगे तो बहुत अच्छा है, चाहे रोजगार की ओर जोड़ो चाहे नौकरी की ओर जोड़ो, घंटे कम कर रखे हैं तो समाज पूर्णतः पूंजीवाद बढ़ेगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बेटियां ऐसा नहीं कि बेटियां हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, बेटियां हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, बेटियां भी जिम्मेदारी उठा सकती हैं। इसी को मैं कविता के माध्यम से सुनाना चाहूंगी। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर पाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी तो बांधा दे। इस जमाने इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं वो जिन पर की भरोसा होता है। मुझे गैरों से नहीं अपनों से डर था, और कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। चंदौसी की तरफ से होली मिलन समारोह है, और ये जो शील्ड हमें मिली है ये कोरोना काल में हमने अपने समाज के कुछ ऐसे लोगों के लिए जो समर्थ नहीं थे उनकी मदद करी थी, और उनका कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया। और एक महिला थी जिसके पति एक्सपायर हो गए थे, उसके बारे में भैया बताएंगे। हाँ, ये जो आज हमको सम्मानित किया गया है जाट महासभा चंदौसी द्वारा, ये सम्मानित इसलिए किया गया है कि कोरोना काल में जो आर्थिक दिक्कतें आई थी परिवारों में, जो हमारे समाज के कमज़ोर लोग थे, उन लोगों की हमने मदद करी, राशन से, पैसे से, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे उनके घर में दवाइयों की अभाव के कारण कोई भी मदद की ज़रूरत हो, हम लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मदद करी। ऐसे ही एक दो हमारे समाज में विधवा महिलाएं थीं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उनके भी हमने घर की राशन की व्यवस्था रखी, उनके रसोई में कोई कमी ना रहे, जिस इसका भी हमने ख्याल रखा, उसके लिए हमें समाज की तरफ से सम्मानित किया गया।